आप लोग अभी जो ये रोड ब्लॉक किया है वो उसका कारण क्या है, मतलब आप लोगों को किस बात का गुस्सा है अभी? देखो अभी ऐसा है, कल जो दलित समाज ने रैली निकाली थी यहाँ पे, ठीक है, तो उसके अंदर उन लोगों ने ऐसे ऐसे गलत सूत्रोच्चार किए हुए कि जैसे देवी देवताओं के ऊपर भी गाली बोल रहे थे। गाय के बारे में बोल रहे तो गाय के अंदर जो भी बलदाता बोले वो तुम्हारा बाप है, सुने आप? तो उन लोग का बोलने का तौर तरीका, पहले से प्रोटेस्ट करने का तरीका नहीं रहा, अभी वो लोग लड़ाई के मूड में आ चुके हुए, ठीक है। तो अभी वो कहने का मतलब वो है कि या तो आप प्रोटेस्ट करो, या तो फिर आप लड़ने के लिए जो बात कर रहे हो कोई देवी देवता के बारे में बोल लो जो आप, ठीक है, कि देवी देवता के बारे में गाली भी बोल रहे हो लोग, अभी समझ लो कि अभी वो हद से ज्यादा अभी आगे पीछे निकल चुके हैं। उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए, जो उन लोग की रैली कल आ रही है यहाँ पे गुना के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर भी वो लोग जो मकसद है वो मकसद कुछ दूसरा ही है। इसमें अभी कोई दलित समाज खुद अपने लिए नहीं लड़ रहा, इसके लड़वाया जा रहा है। अभी इसके अंदर राजकारण वाले सब आ चुके हैं जो उन लोग के आजू बाजू में बैठे हुए हैं, वो उन लोग के कहने के हिसाब से जैसे कि तो आपको मालूम है अभी बीजेपी यहाँ पे अभी है, बराबर, ठीक है। तो उसके बाद आप वाले अपनी सत्ता जमाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए, कांग्रेस वाले भी खड़े हुए यहाँ पे, ठीक है। तो सब दल अपने ये सब राजकीय के राजकारण के हिसाब से हो रहा है, इसके कोई दलित समाज की कोई लड़ाई इसके अंदर है ही नहीं, समझे आप? ठीक है, तो अभी ऐसे अगर हम पूछेंगे कि दलित समाज में जो कुछ प्रॉब्लम है तो आप दलितों के साथ जी, दलितों के साथ एक हद तक हम लोग है। अब आप देखो कि उन लोग ने 50 लोग मारने की वहाँ पे बात बता रहे, 50 लोग खाली चार आदमी को, मैं आपको बताता हूँ, 50 लोग चार आदमी को मारेंगे तो चारों में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा बहन जी, समझ लो आप। उन लोगों को नहीं कोई भांग टूटी हुई, नहीं कोई हड्डी टूटी, नहीं कुछ हुआ है, सिर्फ ये खाली राजकीय स्टंट के हिसाब से एक 24 घंटे तक सब तो कुछ ठीक था, जब तक राजकारणी वाला बाजू में आ चुके उसके पास मुद्दा ही अलग हो चुका है। तो मुद्दा उस वक्त क्या था, मतलब जो 11 तारीख को जो वीडियो बना था उसमें कुछ गलत था या उससे पहले? उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, जब ये वीडियो बना 11 तारीख को तो वो लोग वहाँ पे गए तो वो लोग की जो रिक्शा थी छगड़ा रिक्शा उसके अंदर समझ लो क्या हड्डी थी, हड्डी के टुकड़े थे, वो मास के टुकड़े थे, मेरी बात सुनो, हाँ, मास्क के टुकड़े थे और साथ में वजन का कांटा भी था। चलो भाई आपको चमड़ा उतारने का बोला गया तो आपके मास्क के टुकड़े वहाँ पे क्या कर रहे थे, वजन का कांटा वहाँ पे क्या कर रहा था, ठीक है। तो सब लोग की जो धार्मिक भावना लुभाती है, जो तकलीफ हो रही है सबको, तो वो मुद्दा तो कोई इश्यू को ले ही नहीं रहा अभी। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है कि आप लोगों की बातें अभी तक नहीं रखी गई? और राजकारण के हिसाब से सब बड़े बड़े नेता उनके बाजू में आ चुके, सबको अभी 2017 का इलेक्शन सामने दिख रहा है कि भाई हम लोग को अभी आना है, हम लोग को भी आना है इसके अंदर, वो हिसाब से, बाकी और कुछ नहीं है मुद्दा इसके अंदर। इससे भी बड़े बड़े भयानक काम हो चुके हैं गुजरात के अंदर जिसका अब तक कोई निवारण अभी तक नहीं आया हुआ है। अभी दूसरी बात है, एक क्वेश्चन है, जो न्यूज में डाल रहे हैं और दलित बोल रहे हैं दूसरे स्टेट से, ये बोल रहे हैं कि जो मास्क आते हैं ना, खाते हैं, तो उनके समाज में बहुत सालों से मास्क खाते हैं, तो ठीक है मैडम, तो गुजरात सरकार के अंदर मास्क खाना अलाउड नहीं है, यहाँ पे प्रतिबंधित है, यहाँ पे तुम चमड़ा उतार सकते हो, तुम मास्क नहीं खा सकते हो, समझे आप? हाँ, तो वो दूसरे की धार्मिक लागणी नहीं होती उसके अंदर, लागणी समझ गए, चलो उसके अंदर का चमड़ा उतार है तो उसमें काटा है, वजन काटा उसके अंदर है, उसके अंदर मांस मटन भी है, तो वो किस लिए था वहाँ पे जी? तो आप सप्लाई करते थे, बेचते थे, वो चीज फाइनल है, अभी राजकीय स्टंट के हिसाब से मुद्दा अलग हो चुका है अभी, तो आप अभी अलग ही था वो। तो भाई आप अभी कल जो ये लोग कह रहे हैं कि ऊना में रैली करेंगे तो क्या आप उसको रोकेंगे? उसको भी रोकेंगे, हम बेशक रोकेंगे, क्योंकि उन लोग का मकसद दूसरा ही है, कोई उन लोग को दलित समाज से कुछ पड़ा हुआ नहीं है, सब अपनी अपनी रोटी सेकने में पड़े हुए, सबको नेता बनना है उसके अंदर, अभी मैं आगे निकलूंगा तो मेरा नाम होगा, कोई कुछ दूसरा तो कल 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 रैली नहीं होने देंगे। दलित समाज के ऊपर अत्याचार हुआ था, इससे बहुत बड़े बड़े भयानक अत्याचार हुए, तब कहाँ गए थे, सब सो गए थे क्या सब? 11 तारीख को अत्याचार हुआ था तो 11 तारीख 18 तारीख को दलित समाज सब बड़े आगे तो 11 8 दिन के बीच में क्या कर रहे थे वो लोग? तो कल जो रैली होगा वो नहीं होने देंगे आप लोग? नहीं होने देंगे, नहीं नाम को सीक्रेट में रखिए, नाम नहीं बताना ना आपको। और दूसरी बात है, इसके अंदर जो अभी पुलिस जो इसके अंदर कदम लगा चुकी है, आईपीसी नहीं बोलो, आईपीसी जो लगा चुकी है, 307 लगाई हुई है, लूट की लगाई हुई है, जो कुछ भी लगाई हुई है, जो इसके अंदर कलम लागू पड़ती नहीं है वो भी लगा चुके हैं। मेरा कहने का मतलब है राजकीय दबाव के हिसाब से आप जो कुछ भी कलम लगा दोगे, कहने का मतलब वो है। अरे भाई थोड़ा जगह दो भाई, देखो सबका चेहरा, थोड़ा जगह दो भाई, चेहरा।